इस वक्त मैं लोगों को ये बताता चलूं कि बिटवीन द प्रीवियस मैच एंड द स्टार्ट ऑफ दिस मैच, उस्मान एंड आई फॉर वंस, हम मैचेस को 10 10 दिन बाद एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, बट जैसे ही खबर आई थी चैंपियंस कप की, उसके कुछ ही घंटे बाद हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड की, एंड देन मैंने अपने माइक को छेड़छाड़ की और पूरी उसकी साउंड तबाह हो गई, और एवर हमने डब्ल्यू ने फाइनल अपनी जीत कराची के इंटरनेट इश्यूज सक्सेसफुली एक और मुल्क में ले आए हैं। के। आई थैंक यू फॉर यू नो नॉट रिप्रेजेंटिंग ए यूनिफाइड स्टांस ऑन दिस, बट यस दिस वॉज टोटली ऑन मी, और बहुत अच्छी एपिसोड थी, और उस पर हमने काफ़ी तफसील में बात की थी इस इशू के बारे में, विच वेल आई एम यू नो इट्स लॉस्ट बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। और उस वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट देयर और अभी भी, के एक चीज़ है एक्नॉलेज करना कि आप एक मिड टीयर साइड है, मिड टेबल साइड है, व्हाटएवर, राइट, मगर उसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में इस बात को भी नहीं रिकग्नाइज किया जाता कि आपका एक्चुअली मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा खतरे में, बिकॉज यू आर द ओनली टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट जिसका इंडिया के साथ कोई नई रेगुलर सीरीज अब तो होगी नहीं या हो ही नहीं रही, और उसी के साथ साथ आपके खिलाड़ी आईपीएल नहीं जा रहे, एंड एवरीबडी एल्स इन वर्ल्ड क्रिकेट हैज सम लेवल ऑफ एक्सेस टू दैट, जिसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ उनकी अपने बोर्ड के पास एक एबिलिटी है इंडिया वाले मैचेस में पैसे कमाने की, बट एट द सेम टाइम कि उनके प्लेयर्स वगैरह जो उनका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है आउटसाइड द नेशनल टीम, वो भी आईपीएल का हिस्सा रह के वहां से यू नो जस्ट एक्सपोजर एक्सपीरियंस लाइक जस्ट कोचिंग एंड एनालिटिक्स ब्ला 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 ब्ला, उस सब से आपका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर महरूम रहेगा, राइट, एंड एज द पोलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया डिटर्मिन्स हाउ द बीसीसीआई एंड द आईसीसी ऑपरेट्स, इट्स नॉट लुकिंग लाइक इट्स गोइंग टू गेट बेटर एनी टाइम सून, विच इज वाई बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि फिगर्स आउट हाउ टू बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स अ कॉन्वर्जेशन जो हो ही नहीं रही, इसमें आप बोर्ड को तो छोड़ें, ना ही आपके साबिक खिलाड़ी करंट खिलाड़ी, आपके हम जैसे मीडिया में जो तमाम लोग हैं, एवरी वन हु इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट नॉन स्टॉप, यू नो वी स्टॉप टू लाइक एक्नॉलेज कि जी इंडिया को गालियां दे दें, ये करते हैं वो करते हैं, मगर एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अक्सर जब ये मैच हारते हैं पाकिस्तान तो लोग कहते हैं जी क्रिकेट का भी हॉकी वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि थिंकिंग ये है कि जी हॉकी में टीम बुरी हो गई, वो मैचेस हारने लगी, लोगों में दिलचस्पी खत्म हो गई, स्पोर्ट खत्म हो गया, बट एक्चुअली हॉकी का चेंज आया है बिकॉज द बॉडी दैट गवर्न्स द स्पोर्ट स्विच फ्रॉम ग्रास टू एस्ट्रोटर्फ, इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टिकुलर डिड नॉट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी जनरेशन फेल बिहाइंड, एंड देन इन पाकिस्तान इट नेवर हैड दैट इन्वेस्टमेंट अगेन, व्हाइल वर्सेस इन इंडिया बिल्कुल एक नए सिरे से हॉकी में इन्वेस्टमेंट हुई टू गेट बैक टू वेयर दे आर नाउ, दैट्स व्हाट्स गोइंग लाइक इफ यू हैव टू मेक एन एनालॉजी विद हॉकी इन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये वजह हो सकती है कि द गवर्निंग बॉडी मेक्स दीज चेंजेस दैट फ्रीजेज यू आउट ऑफ द गेम एंड यू हैव नो वे नो इन्वेस्टमेंट टू गेट बैक इन टू इट, ये क्रिकेट के साथ एक रियालिटी हो सकती है, एंड दैट रियालिटी मे माइट नॉट बी सो क्लोज राइट नाउ, बट वट उस्मान कैन गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ कि जब आपका बोर्ड इस किस्म की अहमकाना हरकतें कर रहा है, वॉट यू वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वॉज दैट इट वॉज अनाउंस दैट द पी सी बी इज प्ले पेइंग और इट वॉज अनाउंस आई थिंक इज लीक के पी सी बी के जो मेंटोर्स हैं उनकी जो ये चैंपियंस कप होगा उसमें डोमेस्टिक टीम्स होंगी, डोमेस्टिक टीम के मेंटोर्स होंगे, ना ही वो कोच होंगे, ना ही सेलेक्टर होंगे, ना ही कुछ होंगे, मगर उनको जो सैलरियाँ दी जा रही हैं इज 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ पाकिस्तान्स ब्रॉडकास्ट डील फॉर द होम सीरीज, फॉर द होम सीजन, नॉट वन सीज, द होम सीजन की जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं उसके 50% आप 5 मेंटर्स को दे रहे हैं जिनसे आपने कुछ भी नहीं मांगा है कि ना ही कोचिंग करो, ना ये करो, ना ही वो करो, एंड दैट काइंड ऑफ रेकलेसनेस आई थिंक रैंग द अलार्म बेल फॉर अस। हाँ या आई मीन यू नो सबको अब मालूम होगा, कुछ दिन हो चुके हैं उस स्टोरी के, बट बेसिकली बॉटम लाइन इज के जो 5 मेंटोर हैं आपके, सकलेन मुश्ताक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, मिसबा उल हक और वकार यूनिस, इनमें से 3 पाकिस्तान के पिछले कोई हाल ही में कोई हेड कोच रह चुके हैं। रिजल्ट सबके सामने हैं, पाकिस्तान ने क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं पिछले कुछ सालों में, 3 हेड कोच रह चुके हैं, तो इफेक्टिवली ये पाकिस्तान की जॉब फिल करके ऊपर पहुंचे हैं मेंटोर रोल में। मेंटोर रोल में इन सबको 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं,
तीन टूर्नामेंट हैं इफेक्टिवली साल में, एक या अभी वनडे कप होगा और फिर इसके बाद आई थिंक दिसंबर में शायद विंडो है T20 कप की, और फिर लेटर ऑन 4 डे मैच का टूर्नामेंट एक होगा। मसला ये नहीं है कि इन लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, हालांकि यह है थोड़ा सा मसला, मगर ठीक है वो भाई बोर्ड पे कर रहा है ठीक है। मसला जो अहमर ने बोला वो ये है कि इनसे आप रिटर्न में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में, चलो आई एम श्योर, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अगर है, बट कॉन्ट्रैक्ट में शायद हो केपीआईज हो कुछ के भाई हमें ये चाहिए, मगर आप वो केपीआईज किस तरह से मेजर करेंगे? क्या आप इनसे ये कह रहे हैं कि यार आपको हर टीम से तीन प्लेयर निकालने हैं जो अगले 2 साल में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं? और अगर वो नहीं होता है तो आप क्या इनसे पैसे वापस ले लेंगे? ये पैसे आप कुल मिला के अगर देखें तो 50 लाख, 5 मिलियन रुपीज अ मंथ फॉर द फाइव, विच इज एंड एंड दैट्स नॉट, बाय द वे देयर इज मे बी अ मेंटोर इन देयर हु इज गेटिंग मोर, सो ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द, ही इज नॉट कैप्ड टू द 50 लाख। एंड आई टेल यू अनदर, इफ यू रिमाइंड मी आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट वन ऑफ द अदर मेंटोर्स हु नॉट गोना नेम, बट तो ये 50 लाख इन्हें मिल रहे हैं, विच एड्स अप टू इट्स अबाउट $18,000 अ मंथ। ये अगर आप कुल मिलाएं 3 साल पे तो इट केम आउट टू 2.7 मिलियन डॉलर्स, आई थिंक 2.8 मिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान का ब्रॉडकास्ट डील बायलैटरल राइट्स का, नॉट नॉट पीएसएल और एनीथिंग, बट बायलैटरल जो पाकिस्तान की अगले 2.5 सीजन में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें इंग्लैंड से सीरीज शामिल है, उसमें ये बांग्लादेश वाली सीरीज शामिल है, उसमें अगले साल साउथ अफ्रीका आएगा, उसका कुल वैल्यू पाकिस्तान को 6 से 6.5 मिलियन मिला है। तो अब ये मैंने, यानी ये डायरेक्ट अकाउंटिंग ऐसी नहीं है कि वो जो पैसे आ रहे हैं उसमें से हम निकाल के यहां दे रहे हैं, या यू नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ दैट आप अगर देखें 2.7 मिलियन ऑफ 6.5, इट्स नियरली हाफ ऑफ योर इंटायर ब्रॉडकास्ट राइट डील यू आर पेइंग ऑन दीज रोल्स, एंड इट्स नॉट द क्रिकेटर्स देमसेल्व्स। यार मुझे और अहमर को कोई 50 लाख रुपए का महीने का कह काम करो, आई वुड डू इट फ्रेंकली, इट्स नॉट ऑन द क्रिकेटर्स, मगर आप अपना इतना पैसा उन पे खर्च कर रहे हैं, और आप बाय द वे कोच नहीं है, कोचेस को इतने पैसे नहीं मिल रहे, प्लेयर्स को आई थिंक 4 से 4.5 लाख रुपए महीने के मिलेंगे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स इस सीजन के। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो टॉप एलीट प्लेयर्स हैं उसमें सिर्फ कैटेगरी ए के जो तीन प्लेयर हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शायद चेंज होने वाले हैं, लाइक उसमें जो एनुअली चेंज रिन्यू होते हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो शायद इसमें कुछ बदल आए, मगर तीन प्लेयर्स हैं शाहीन, बाबर एंड रिजवान, जिनका मंथली रिटेनर इनके रिटेनर से ज्यादा है, और सब प्लेयर्स आप सोचें, और सब प्लेयर्स पाकिस्तान सेटअप के साथ जो हैं, नसीम शाह हो गया उसमें, साउद शकील हो गया उसमें जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, सलमान आगा हो गया देयर मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द लास्ट यू नो हावर लॉन्ग, आपके सब प्लेयर जो हैं वो बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार शोएब मलिक को या किसी और को, रही सरफराज अहमद को या मिसबाह हक को 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, उनका काम क्या है? ना उन्हें कोचिंग करनी है, ना उन्हें सिलेक्शन करनी है, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी एंड ऑफ द डे, अगर आपकी टीम ना फाइनल में पहुंचे तो शायद आपको फायर कर दें, मगर उस पर भी आपको कुछ अच्छी ठीक ठाक तगड़ी रकम मिलेगी फायर होने की एज कॉम्पनसेशन। तो यू नो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लाइक द मैथ्स ऑफ हाउ दे आर वर्किंग दिस आउट, दिस इज रिडिक्युलस एंड इट इज नथिंग बट प्योरली वैनिटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द करंट चेयरमैन, एज मैनी हैव हैपेंड इन द पास्ट इंक्लूडिंग रमीज राजा विद हिज पीजेएल ब्लास्टेड पीजेएल, जो और भी उसमें भी पैसे खर्च हुए थे, लूज हुए थे, इट्स जस्ट प्योरली अ वैनिटी प्रोजेक्ट टू शो पीपल कि देखो ये मैंने करा था, ये मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ, और कुछ नहीं इसमें। घंटा इन लोग को कोई गैप फिल करना है, जो इनका स्टेटेड एम है कि हमें गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कम करना है, यार आप वो गैप अगर आप वही प्लेयर्स खिला रहे हैं जो कि इस वनडे कप में वही प्लेयर्स होंगे जो पिछले साल खेल रहे थे डोमेस्टिक सीन के, कोई उसमें कोई नया बंदा ऐसा नहीं आ रहा है, वही अगर 80-90% आप वही प्लेयर खिला रहे हैं तो आप क्या गैप कम कर रहे हैं उसमें। और एक आखिरी जो मैं अपने कहा था ना रिमाइंड करूंगा, एक मेंटोर इसमें से है जिसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, और ये भी एक क्वालिफायर दूंगा कि ये एकदम 100% वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसे मेंटोर हैं इसमें जिनके बारे में कहा जाता है कि पिछले 1-2 साल में उन्होंने बहुत बहस करी कि डिपार्टमेंटल सैलरीज जो प्लेयर्स के लिए हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, उस पर कैप लगा देनी चाहिए, और वो कैप होनी चाहिए कोई 2.5-3 लाख की, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए उनके पास, क्योंकि ये आप अनसस्टेनेबल हो जाएगा अगर आप इतने पैसे
प्लेयर्स को देना शुरू कर दे और वो उसकी इकोनॉमिक्स आउट हो जाएगी. तो वही अगर ये बात यानी वाकई में वेरीफाई हो जाए तो यू नो दैट मेंटोर नाउ इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ मनी विच टू मी इज कंप्लीटली अनसस्टेनेबल, कंप्लीटली अटरली अनसस्टेनेबल. बिकॉज ना इस टूर्नामेंट से कोई पैसे आपको बनने, अभी तक ब्रॉडकास्टर अनाउंस नहीं हुआ है, सुनने में आया कि कोई है एक ब्रॉडकास्टर शायद आ जाए, कोई कमर्शियल एज सच आई डोंट थिंक होंगी. वो अभी तक पीसीबी के साइड पर एड लगा हुआ है कि हमें कोई पार्टनर मिल जाए हमारी टीम्स के लिए. क्या पैसे बनाएंगी वो और क्या खर्चे होंगे इस पे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी, लाइक आई डोंट नो. सो देयर आई थिंक ये जो वैनिटी प्रोजेक्ट्स वाली बात है ये इतनी जरूरी है क्योंकि आपके पास एक क्रेजी स्कीम चला हुआ है कि ये रमीज राजा ने पीजीएल की और मोहसिन साहब इस पे कर रहे हैं चैंपियंस कप, जिसकी यू नो द ओनली थिंग जो हमें एंड में समझ आया है कि आप अगर 50 लाख दे रहे हैं प्लेयर्स को तो वो यही करेंगे जो सरफराज उस दिन कर रहा था कि देन ये खड़े होके इनकी कमर के ऊपर एक टारगेट है और लोग इनको गालियां बकेंगे और ये खड़े होके डिफेंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को बिकॉज दे आर गेटिंग पेड दैट क्रेजी. मेबी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक एक करके सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं. बिल्कुल, तो वो उस तरीके से एक एक यू नो वो आप इशू को डिफ्लेक्ट करने के लिए इन खिलाड़ियों को शायद इतने पैसे दे रहे हैं क्योंकि और तो कोई सस्टेनेबल जस्टिफाइबल है ही नहीं. क्योंकि जस्ट टू रिइटरेट, लाइक अगर मोहसिन नकवी पैसे लगाने में साल के तौर पे स्टेडियम की अपग्रेड्स पे, दैट्स ग्रेट. इफ हिज अप्रोच इज टू स्पेंड अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स फाइन. इवन विद रैम्बो दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू रैशनलाइज इट. The same way, like if the PGL was something which was an offshoot of the PSL, it would have been an idea we would have been completely behind. Yeah. It makes so much sense ki aapki jo ek bani hui product usko aap expand kar rahe ho. Agar aapko isi tarike se women's Premier League khadi karni hai, fine, you don't even make it, you don't have to have the same PSL teams owning it, but you can run it concurrently or whatever. Aap wo kar dijiye. आपको प्लेयर्स की ओवरऑल सैलरीज बढ़ानी है, यू डू दैट. यू इन्वेस्ट इनटू यू नो हैविंग अ डोमेस्टिक सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट और व्हाटएवर एंड येट यू नो इज कंपेटिटिव एंड कंपेलिंग टू वॉच. वो सारी ऑप्शंस छोड़ के आप एक वही नई तरीके में जा रहे हैं ताकि इस पे सिर्फ आपका नाम आए और फिर ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर बीइंग ब्रॉट ऑन ताकि वो उसको डिफेंड करें. मतलब It's so hilariously stupid. और उसी लिए कि चलो ठीक है आप ये कर रहे हैं, मगर आप एक गरीब मुल्क हैं जिसके क्रिकेट के economic future is extremely vulnerable.